गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैम स्कूल की बस से, क्योंकि हमारी बसेज आती नहीं है, रोड ख़राब है तो इसलिए हमारी बसेज नहीं आती है। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी अवा देवी और हमें निचले चौक पे उतार था, क्योंकि स्कूल थोड़ा आगे था और हमें ऊपर वाले चौक पे जाना था बस लेने के लिए। तो मैं जा रही थी ऊपर चौक धीरे धीरे और इधर उधर देख रही थी, लोग थे वो मेरे को देख रहे, तो मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। तो चलो, और मैं सुबह जल्दी पहुंच गई थी 7:50 तक और पूरा मार्केट खाली था, पूरा का पूरा। बस थोड़े से लोग दिखाई दे रहे थे और गाड़ियाँ वगैरह चली रही थी। और ये है देसी 190 रुपये आज सुबह सुबह पहनी है किसी को तो। और साथ में अवा देवी के जाते ही मेरे को मंदिर दिखा, तो मैंने वहाँ पे जय माता दी करी। तो फिर मैं बस को वेट करने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को अभी काफ़ी टाइम था 10-15 मिनट वेट करने के। तो फाइनली इतना वेट करने के बाद फिर मैं बस भी आ गई थी। तो फिर मैं चल पड़ी थी बस में, और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप देख सकते हो, जो ये पीछे मेरी मतलब दी ही लगते हैं वो बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे। और रोड की हालत आप देख सकते हो कितनी गंदी है, और ऊपर से इतना इतना अंधेरा हो गया था बारिश का एकदम से। जो हम पीछे थे जब से हम घर से गए थे तो बारिश वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो ये मेरी फ्रेंड मेरी गोद में बैठी थी कि इतनी भीड़ थी कि वो मेरी गोद में बैठी थी, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं पहुंची कैफ़े में, क्योंकि मेरे को अपना रिज्यूम बनाना था और पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करना था, क्योंकि और मेरे को अपने इंस्टीट्यूट में भी काम था। तो भैया ने बोला आप थोड़ी देर के लिए बैठो, वो कहीं काम से बाहर जा रहे थे 5 मिनट के लिए। तो भाई उन्होंने बोला मेरे को आप शॉप पे बैठो तब तक मैं काम निपटा के आ जाता हूँ। तो फिर वो आए तो उन्होंने मेरा रिज्यूम वगैरह बनाया, और उसके बाद मैं चले गई थी। तो मैं बस स्टैंड पहुँची तो मेरी फ्रेंड मेरे को बुला रही थी, तो फिर मैं इसके साथ गई और ये बोल रही थी कि मैंने करी शॉपिंग, मैंने लिए अपने लिए जीन और टॉप। तो मैंने बोला मेरे को भी दिखा दे, फिर ये नहीं दिखा रही थी तो मैंने बोला दिखा दे यार, बोलती नहीं। फिर बोलती मेरे को कुछ खाना है, मैं चल कोई ना चलते हैं खाने के लिए कुछ। और फिर हम चल रहे थे मार्केट में, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते लोग थे, और ऊपर से उसने दिखा भी दी थी थोड़ी सी मेरे को जीन्स अपनी। और आपको जैसे कि पता ही है राखी कम टाइम है, तो इतनी ज़्यादा राखियाँ वगैरह चली। और मेरी फ्रेंड बोलती मेरे को कुछ खाना है, तो पहले तो उसने गोलगप्पे खाए, उसके बाद मोमोज, फिर उसके बाद फिर हम गई शॉप पे एयरिंग्स वगैरह लिए खुद के लिए। और यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा बेबी था, वो अपने लिए चश्मे ले रहा था, और जो उसने हाथ में पकड़े थे वो मैंने उसको पहनाए थे। मैं क्या बेबी इसको चेक करो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगे, वो बोलते हाँ बहुत क्यूट था है, मेरे को यही लेना। फिर मेरी फ्रेंड लगी नेल पेंट लेने के लिए, पर जो उसको पसंद आता है वही मेरे को पसंद आता है। फिर उसके बाद हम मार्केट में गए अपने लिए कुल्फी ली, और कुल्फी का आनंद उठाते हुए हम चल जा रहे थे सड़क में, आपको सड़क। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड चल पड़े बस स्टैंड की, और फिर हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, और फिर हम चल पड़े थे बस स्टैंड, क्योंकि मेरे को गाले वगैरह निकाल रही थी। तो वो पीछे भैया चले हुए थे, उन्होंने सुन लिया था और वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हो। फिर हम बस स्टैंड में पहुँच गए, तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी मेरे को शेक पीना है, तो हम गए फिर शॉप में और हमने मंगवाया वैलिना शेक, और जो उसने थोड़ा सा ही पिया और मैंने तो काफ़ी ज़्यादा पिया। और ये बोलती है मेरे को ब्लॉग में मत लिया कर, फिर मैंने अपने वैलिना शेक का मज़े किए, इन्जॉय किया अपना शेक। फिर मैं क्या रहने दे ब्लॉग बनाने के लिए, फिर हम चल पड़े घर की ओर। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू लगता है चिल्ड्रन पार्क का, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया चिल्ड्रन पार्क आए भी, तो मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू लगता है इस साइड का। तो आप देख सकते हो इसकी लोकेशन कैसे है, अच्छी है लोकेशन। एक लड़का मेरे को तो ऐसा लग रहा था उस टाइम की लड़का ने हाथ दिया बस रोकने के लिए, और बस वाले ने बस ही नहीं रोकी, तो क्या कर सकते, नहीं रोकी। तो फिर हम पहुंच गए अपने मामा के घर, फिर नानी जी को बोला नमस्ते, उनको सामान वगैरह दिया जो नानी जी ने मेरे से मंगवाया था। और नानी जी को बोला मैंने हेलो करो, तो नानी बोलती किसको करनी हेलो, मैंने बोला ऐसे ही करो हेलो अपने आप को ही कर दो। फिर उसके बाद मैं चल पड़ी थी बस लेने के लिए, तो बस तो मेरे को कुछ मिल नहीं थी। मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, बोलती भाई को मेरी बहन की कॉल आई, बोलती कि बस आई है घर वाले साइड से, तो आ जाए जल्दी से अपने मामा के घर से। तो मैं नीचे जा रही थी बस वो नीचे सड़क पे, तो मेरे को लिफ्ट वगैरह लेनी थी कुछ।
तो फिर मेरे को मेरे पापा के फ्रेंड मिल गए थे, तो उनके साथ मैं बाइक पे चले गई। फिर फाइनल में अवादेव पहुंच गई। तो मेरे को अभी तक इतना बिलीव नहीं था कि बस अवादेव तक आएगी, क्योंकि रोड की बहुत गंदी हालत थी, आप पीछे देख ही सकते हो। तो फिर ऊपर से फिर वहाँ पे डॉग आ गया था, वो मेरे को खाने लग गया था, पर मैं जोर से चिल्लाई क्योंकि फिर वहाँ के जो लोग थे वो देखने लग गए थे। फिर क्या बोलते, मैं चलती रही, और क्या बोलते मेरी बहन ने बोला था, मैंने सोचा क्यों ना चलती रहूँ आगे, अगर आएगी बस तो मैं रुकवा लूँगी, अगर नहीं आई तो चलती रहूँगी पैदल। फिर फाइनली मेरे को बस दिखी, बाई गॉड से मेरे को बस को देख के इतनी खुशी हुई कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। आप मेरी फीलिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि मैं कितनी खुश हो चुकी थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमारी बस हमारे रोड पर आई हुई थी। और मैंने अच्छी तरह से पढ़ा भी था कि टीरा सरका घाट कुछ ऐसा लिखा था, पर चलो कोई ना, अगर आएगी बस तो हमें पता लग जाएगा, और नहीं आएगी तब भी हमारे साथ कलोल हो जाएगा। और मैं बस में बैठ चुकी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर मैं घर पे पहुंच चुकी थी और मम्मी को बोला मैं कि मेरे को खाना गर्म करके दे दो, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर मैं क्या मम्मा भी मैं आपको खाना बना के भी दे दूँगी। तो मम्मी कुछ भी नहीं बोलते, बाद में बोलती है बाय।